हेलो व्यूअर्स, आर आर वर्ल्ड अपडेट में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मेरा जो टॉपिक है वो है गूगल मैप के बारे में, कैसे आप ऑफलाइन में भी गूगल मैप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा मेरा गूगल मैप, ये मैं ओपन कर रहा हूँ। उसके बाद जो मेरा राइट साइड में जो नीचे वाला ब्लू वाला एरो है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद चूज डेजिग्नेशन में क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद कोई भी लोकेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा पास जो कोलकाता वाला लोकेशन है वो मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे हूँ और कोलकाता। तो उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद ये जो नीचे वाला बार है उसको ऊपर करने के बाद ऊपर ले जाना पड़ेगा। उसके बाद सेव ऑफलाइन में क्लिक करना पड़ेगा। सेव ऑफलाइन में क्लिक करने के बाद ये सेव हो जाएगा। तो लीजिए ये सेव हो गया है। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और मेरा जो डाटा है वो ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद फिर से मैं गूगल मैप के अंदर जाता हूँ। उसके बाद देखिए नीचे पे एकदम नीचे लिखा है सेव ऑफलाइन रूट। तो उसको मैं ऊपर उठाऊँगा। तो देखिए वेस्ट बंगाल टू कोलकाता, तो उस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद देखिए जो मेरा रूट सेव किया था वो मैं वो आ गया है। तो नीचे आप देख सकते हैं कितने मीटर पे आपको किस तरफ मुड़ना होगा, वो उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। उसके बाद ये जो ब्लू एरो है उस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जो मेरा पास दो एरो दिया है, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला। तो लेफ्ट वाला में फिलहाल अभी के लिए इनएक्टिव है और राइट वाला एक्टिव है। तो राइट वाला के क्लिक करने के बाद देखिए धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे करके आप ऑफलाइन में भी अपना गूगल मैप यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू व्यूअर्स मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और मेरा व्यू बढ़ाते रहिए। थैंक यू।